नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हम आए हैं और ये केंद्र सरकार का बड़ा चहेता डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग इससे संबंधित है और बड़ी हास्यास्पद घटना हुई है कि हमारी पार्टी के अंदर जानी मानी हमारी नेता आतिशी जी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है और मात्र इस चीज़ के लिए नोटिस दिया है कि इन्होंने 2020 में जो चुनाव लड़ा उसके इलेक्शन के एफिडेविट में इन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि इनके पास चल संपत्ति, मूवेबल एसेट्स जो बैंक में हैं, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स के रूप में हैं 59,79,000 कुछ रुपए इनके पास इनके अकाउंट में हैं एफडी और म्यूचुअल फंड के रूप में। इस चीज़ का नोटिस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है और हैरान मैं इसलिए हूँ कि कोई साधारण से साधारण बुद्धि रखने वाला आदमी भी अगर आतिशी जी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी उसी एफिडेविट में पढ़ लेता, उसके लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसी एफिडेविट में इनके बारे में और कई जानकारियां हैं। दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल के अंदर ये पढ़ी हैं, माता पिता दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। ये एक फैमिली बैकग्राउंड है जो एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास का एक बैकग्राउंड है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही सेंट स्टीफन्स कॉलेज से इन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया और पूरे दिल्ली के अंदर ये ड्यू की टॉपर रही। उसके बाद एक बड़ी प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है शेवनिंग स्कॉलरशिप, जो पूरा खर्चा उठाती है आपका, और शेवनिंग स्कॉलरशिप पे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए किया और उसके बाद दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है रोड स्कॉलरशिप, जिसको रोड स्कॉलर्स कहा जाता है, जो लोग इससे पढ़ते हैं, उस स्कॉलरशिप के अंतर्गत इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएससी किया एजुकेशन के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस के बाद कोई प्रोफेशनली 8 से 10 साल अगर अपनी नौकरी करे, कंसल्टिंग का काम करे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एज अ स्कॉलर थिंक टैंक्स के साथ काम करे, तो मुझे लगता है कि कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी समझ सकता है कि इतना धन आप अर्जित कर सकते हैं कि उसके बाद 7-8 साल अगर वो बैंक में और म्यूचुअल फंड्स में रखा रहे तो 50-60 लाख रुपए आराम से बनता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जितना पैसा इनके एफडीज और म्यूचुअल फंड्स में है वो सारा का सारा पैसा 2012 से पहले जमा कराया हुआ है। आप सबकी जानकारी में है कि 2012 में अक्टूबर में आम आदमी पार्टी बनी, 2013 दिसंबर में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और 2015 में आतिशी जो थी इनको दिल्ली सरकार के साथ काम करने का मौका मिला और 1 रुपए के अंदर प्रति माह 1 रुपए की तनख्वाह के ऊपर ही काम करते थे। बहुत मुझे दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना पड़ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना खाली है कि वो केंद्र सरकार जो इस वादे के साथ आई थी कि काला धन लेके आएंगे, स्विस बैंक के अंदर जो लाखों करोड़ रुपए भारत का काला धन जमा है उसको लेके आएंगे, आज उनके हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 60-60 लाख रुपए की डिक्लेरेशन के ऊपर ये इनकम टैक्स के नोटिस भेज रहे हैं। हमारा सीधा तौर पे ये मानना है, एक तो वैसे ही भारत के अंदर हमारी राजनीति इस तरीके की है कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल युवा और खास तौर पे महिलाएं
राजनीति के अंदर आना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनके लिए आना ही बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत कठिन है। जो महिलाएं ज़्यादातर हम राजनीति में देखती भी हैं, वो भी बहुत सारी महिलाएं उसमें ऐसी हैं जिनको विरासत में वो राजनीति मिली, तो वो पैटर्नेज मिला जिसका जिस वजह से वो स्थापित हो पाई। बहुत कम लोग हैं जो अपने बलबूते पे बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड के वो लोग आते हैं, और उनके साथ अगर भाजपा की केंद्र सरकार ही करती है तो मुझे लगता है कि ये भाजपा का महिला विरोधी चेहरा सेक्सिस्ट, एक सेक्सिस्ट और शोविनिस्ट पार्टी के रूप में भाजपा अपने आप को दिखा रही है, अपने आप को स्थापित कर रही है, और आम आदमी पार्टी इनकी घोर निंदा करती है। और हमें लगता है कि बहुत शर्मनाक है कि इस तरीके का काम करने के लिए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स विभाग को छोड़ा है। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो जो है इसके बारे में अपना एक पक्ष रखें। देखिए, आप और हम पिछले 6 साल से 7 साल से जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, ये तो बार बार देख ही रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता, उनके एमएलए, उनके मंत्रियों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार अपनी हर एजेंसी का प्रयोग करती है, चाहे वो सीबीआई की रेड्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, और चाहे इनकम टैक्स की समन्स और इनकम टैक्स की रेड्स। केंद्र सरकार ने अपनी कोई एजेंसी नहीं छोड़ी है जिसके माध्यम से वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी रहती है, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे दिल्ली में चल रही हमारी सरकार हो। लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद इतने सालों में वो एक गलती नहीं ढूंढ पाए हैं, एक केस नहीं सस्टेन कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ। ये जो इनकम टैक्स का नोटिस है, ये भी उसी में अगली कड़ी है जहां पे भाजपा को लगता है कि वो जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग राजनीति में आते हैं, उनको इन नोटिसेस के माध्यम से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और चुप करा सकते हैं। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को कहना चाहूंगी कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग, चाहे मैं हूं, चाहे सौरभ हैं, चाहे हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग फील्ड से अपनी नौकरियां छोड़ के राजनीति में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हम देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, और भाजपा की इन खोखली धमकियों से हम डरते नहीं हैं। दूसरी बात, भाजपा के नेताओं के पास कुछ छुपाने के लिए होगा, क्योंकि उनके पास और उनकी पार्टी के पास संपत्ति कैसे आती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक भी चीज छुपाने के लिए नहीं है। जिस तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगी, जहां बुलाएगी, जितने सालों के वो बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स चाहेंगे, हम एक एक कागज में लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और मैं भाजपा को ये चैलेंज देना चाहती हूं कि जिस तरह से हम अपने सारे बैंक अकाउंट्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी को पब्लिक करने के लिए तैयार हैं, क्या भाजपा के नेता भी ये करने को तैयार हैं? या वो सिर्फ इनकम टैक्स को और ईडी को और दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए छोड़ना चाहते हैं? धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है क्या? थैंक यू।